नमस्कार मित्रों और साथियों, सभी लोगों को विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर जागरूक करने के लिए 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत यूएनओ के द्वारा 1989 में हुई थी। पॉपुलेशन बम्बार्डमेंट, जनसंख्या विस्फोट आज के समय में बहुत ही विकट समस्या है और किसी भी एक क्षेत्र में अगर जरूरत से ज्यादा आबादी बढ़ जाती है तो उसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या बढ़ने के देखिए क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अगर आबादी अधिक होगी तो मानव संसाधन जितना है उसके हिसाब से हमारे जो रिसोर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, भुखमरी बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, प्रकृति पे बोझ पड़ेगा और गरीबी बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो अपराध बढ़ेंगे और भुखमरी भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, जैसा हमने कोविड में भी देखा है, जब एकदम से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो हेल्थ और एजुकेशन की जो संसाधन हैं वो जनमानस के लिए कम हो जाएंगे। तो इसके लिए हम सभी को मिलकर उपाय करने होंगे। देश में ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो भी ग्रामीण इलाके हैं, जो हमारे मेन एरिया हैं, वहाँ पर परिवार नियोजन से संबंधित विषय पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है। ये सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने देश के युवाओं को सेंसिटिव बनाना है, इस समस्या से निपटने के लिए उनको भी शामिल करना है, क्योंकि युवा शक्ति का एक बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षा का प्रसार करना है, लोगों को बताना है, जैसे सरकार ने कहा है छोटा परिवार सुखी परिवार, जो नारा दिया है उसको जन जन तक पहुँचाना होगा और विवाह की आयु को बढ़ाना होगा। परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में वेबिनार, सेमिनार, गोष्ठी, इन सब के आयोजन करके लोगों को बताना होगा। इसके अलावा जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी है, पुरुषों द्वारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करना, उस प्रथा को धीरे धीरे हमें समाप्त करना होगा। वह इस काम में सरकार के साथ देश के प्रत्येक नागरिक को, युवा शक्ति को, सबको मिलजुल के हाथ बढ़ाना होगा, जिससे कि जो ये जनसंख्या विस्फोट, बिल्कुल एक बढ़ती जनसंख्या हमारे देश में है, इसके दुष्प्रभाव को हम अपनी आने वाली जनरेशन है, जो हमारे आने वाला भविष्य है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन छोड़ के जाएँ, शिक्षा और हेल्थ के ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर छोड़ के जाएँ। नहीं तो एक समय आएगा कि देश में, जैसे कोविड में सबने देखा कि जब इन्फेक्शन हुआ तो सारी चीज़ें कम पड़ गईं, ऑक्सीजन की कमी हुई, अस्पतालों की कमी हुई, नर्सिंग स्टाफ की कमी हुई। तो इस तरह से हमें लोगों को जागरूक बनाना होगा और इसमें हम सभी मिलकर सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, वंदे मातरम।